बाय बाय नैनीताल। ये देखो पूरा कितना बादल बादल है। लास्ट बार देख लेते हैं बादल पहाड़ ये सब, अब देखो कब देखने को मिलेंगे। ये देखो कितना बादल है, तो ये बादल नीचे तक है। छोटी सी एक वैन टाइप की होती है, उसी के ऊपर बैठने का भी बना दिया ले। अच्छा हाँ, तो उड़ते हुए जा रहे हैं इसमें, शायद इसमें ना दिखे कैसे उड़ते हुए जा रहे हैं बादल की स्पीड से। ये है नारायण नगर, बोलो नारायण नारायण, भोले बाबा के दर्शन करते हुए चलो। जय माता मनसा देवी। यात्रा सफल सफल हुई, यात्रा सफल सफल हुई, मनसा देवी दर्शन बहुत किए। चलो ये आखिरी बार और मनसा देवी दर्शन थे। सोना मेरा। तो गड्डी अपनी चल रही है कहाँ से कहाँ की? और शुक्ला जी अब हम चले हैं नैनीताल से कलकत्ता, लेकिन रुकेंगे अभी बरेली में। बरेली स्टॉप लेंगे, और कहाँ कहाँ लेंगे? बरेली लेंगे और फिर इलाहाबाद या वाराणसी या लखनऊ। तो हम लोग अभी जो पहला स्टे रहेगा वो रहेगा बरेली, बाकी आगे का पता नहीं, बाकी आगे का अपडेट देते रहेंगे कि लोग कहाँ जा रहे हैं। सोना को नींद नहीं आने लग गई है, तो सोना यहाँ सो गया है। सोना जब बहुत तेज नींद आती है तब सोना अपनी कार सीट में जाता है, लेकिन उसके पहले मम्मा सीट में। चलो हम लोगों की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई है यहाँ नैनीताल से कलकत्ता के लिए। अरे ये लास्ट टाइम व्यू देख लो भाई, हम लोग भी और तुम लोग भी, उसके बाद तो बस अपना मेन हाईवे सड़क बिल्डिंग यही मिलेगी। ऐसा ना देखता है क्या हो रहा है। अरे पानी यानी सब चला है यार, आराम पानी भी चल गया सही है। सोना क्या कर रहे हो? हैं ये तो इतना वैसा अभी आया है, थोड़ा थोड़ा आओ कर रहा है। राजू बेटा तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या करने आए हो बताओ? नम नम चाय पीने, चाय पीने। चाय पियोगे? चाय चिया देखती, चिया देखती। आओ चिया दिखाएं तुम्हें, जरा आ जाओ। वो चिया उधर सीधी, ये पता है काय खेत है? काय ये चीज धान है, ये देखो धान में फली आने लगी है उसमें, देखी वो आम का पेड़ है बड़ा सा। हाँ बड़ा सा, ये तो आम का पेड़ है और ये लौकी है। ये लौकी और वो कद्दू का है, ये वाला कद्दू का है। कद्दू दिख रहा है तुम्हें? हाँ उसमें तो लगा भी है, कद्दू ही लगा होगा, कद्दू ही है, बढ़िया कद्दू लगा, छोटा सा है बस। कोई मिर्ची लगी है, दो चार मिर्चियां लगी तो
और ये पेड़ भिंडी का है, लेकिन भिंडी अब खराब हो गई, इसकी दो चार भिंडी उसमें लगी है। शुक्ला जी ने चुनी तगड़ी लोकेशन ढाबे वाली, और शुक्ला जी का फेवरेट वाला क्या क्या मंगाया तुमने, आ गया तुम्हारा भिंडी, और ये है आलू परवल, ठीक है, अलग 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 सलाद दिया, अलग अलग और राजा बेटा अपनी स्पून ली है, ये स्पून में लग जाता है उसके लिए। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere. ये जब हम लोग झारखंड से होकर के गुजर रहे थे तो यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स थी खिरमोहन की, जब हम लोग घर जा रहे थे तभी भी मैंने ये बहुत सारी शॉप्स देखी थी, तो हम लोग बस ये सोच रहे थे ये क्या होता है, ये खिरमोहन क्या है। सो अगर आप लोग झारखंड के हो तो आप लोगों को पता होगा, या फिर आप लोगों ने कभी ट्राई किया हो, दिखने में कुछ रसगुल्ले जैसा दिख रहा था, पिक्चर्स वगैरह लगा रखी थी, बट मुझे पता नहीं ये क्या होता है, कैसा होता है टेस्ट में, तो काफ़ी सारी शॉप निकल भी गई थी। फिर मैंने स्टार्ट किया बनाना वीडियो कि ये क्या होता है, आप लोगों से ज़रूर पूछूंगी, तो अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये खिरमोहन क्या होता है। ये जब हम लोग रानीगंज होते हुए निकल रहे थे, जो कि वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है, तो वहीं से ही एक नदी गई हुई है, रिवर, जिसका नाम है हुगली, जिसे हमारे नॉर्थ इंडिया में गंगा जी के नाम से भी जानते हैं, तो इसे यहाँ पर हुगली रिवर के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी है, पूरी कलकत्ता तक गई है, तो ये काफ़ी मतलब बहुत ही बड़ी है नदी, बहुत ही मतलब इसमें पानी भी काफ़ी अच्छा था, और ये ब्रिज बना था, और यहाँ पर बारिश हो रही थी, काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो रही थी, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रखा था, मतलब अभी हम लोग कानपुर से आ रहे थे तो वहाँ का वेदर काफ़ी गर्म था, और यहाँ आते मतलब मौसम काफ़ी एकदम चिल्ड हो रखा था, तो आप देख सकते हो पानी काफ़ी ज़्यादा नदी में है, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जब हम लोग लास्ट टाइम कलकत्ता गए थे तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कितनी बड़ी रिवर थी वो, और देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो वही ये सेम रिवर थी जो हुगली वहाँ जा करके मिलती है, बहुत ही अच्छा लगा देख करके। और जिस दिन हम लोग आ रहे थे उसी दिन गणेश चतुर्थी भी थी, तो गणेश जी भी कई जगह पर स्थापना हो रखी थी, वहाँ पर एक छोटे से ये भी एक उनका स्थापना थी, और हम लोग को रात हो गई थी, इधर भी बढ़ गया पेड़, बहुत सारे पेड़ आ गए, ये सारा करेला तो पूरा छल गया, पूरी तुलसी को, तुलसी की, तुलसी माता को कब्जे में ले लिया बहुत अच्छी थी तुलसी माता, देखो अपनी गेंद दिख रही है, बड़ी बड़ी पत्ती हो रही थी तुलसी मेरी माता, पूरा करेले ने पूरा पूरा कब्जा कर लिया, देखो ये यहाँ सब पूरा, इनको तो झुका ही लिया, ये काली वाली को देखो किस साइड है, तुलसी जी बहुत, देखी देखो कितनी सारी तुलसी जी कट गई, अभी ये देखो जैस्मिन लग गया, जैस्मिन ये देखो, पता नहीं ये तो चलेगा कि नहीं चलेगा, इधर इतने ऊपर तक, और एक वो देखो कहाँ अंदर करके ये सारा बहुत सारा कट कर दिया।